टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जावेद मेडिकल भाई, आपके यहाँ पर 3 दिन का आधार कार्ड का कैंप लगाया गया था, तो आज तीसरा दिन है यानी कि आखिरी दिन है, तो कितने लोगों का यहाँ पर आधार कार्ड अपडेट किया गया, कितने लोगों का नया बनाया गया, क्या है पूरी जानकारी? अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस कौसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक की ऑफिस पे ये जो 3 दिन का कैंप रखा गया है, असल में हम इसकी वजह ये है कि हमको पिछले 2 महीने से 3 महीने से मुझे अपने ऑफिस में, जब से मेरे ऑफिस में ओपनिंग किया हूँ, तो मुझे ये शिकायतें मिल रही थी कि जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर मुस्लिम जो एरिया होते हैं, इलाके, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को लेके बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी दिक्कत आती है, लोगों के पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते, और आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आज गवर्नमेंट ने इसेंशियल कर दिया है, हर जगह पे प्रोड्यूस करना पड़ता है। हमारे यहाँ हमने देखा कि बहुत से लोगों के आधार कार्ड में किसी के डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, किसी के मोबाइल लिंक नहीं है, किसी का अपडेट नहीं है, तो ये शिकायतों को मैंने अपने वरिष्ठों के पास, जैसे कि हमारे जो कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान साहब, इनसे मैंने डिस्कस किया कि भाई हमारे इधर ऐसे ऐसे लोगों की शिकायतें मुझे मिल रही है, तो उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया था कि जावेद भाई, हम लोग इसकी शिकायत, इसकी बात को जो है आवाज़ साहब जो हमारे स्टेट के हाउसिंग मिनिस्टर है, उनसे चर्चा करके इंशाल्लाह तुम्हारे को हम लोग एक कैंप करने की जो है सहायता करेंगे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ शमीम खान साहब का, जिन्होंने आवाज साहब, हमारे बड़े भाई साहब सैद अली भाई साहब, थाना विरोधी पक्ष नेता जो हमारे शानू पठान साहब, इन सब की सहायता से जो है मुझे ये कैंप का आयोजन मिला, जहाँ पे मैं पिछले 3 दिन से लोग आ रहे हैं, तकरीबन हर दिन 100-150 लोग जो है अपने आधार कार्ड का कोई नया बनाने के लिए, कोई उसको मोबाइल से लिंक करने के लिए, कोई अपडेट करने के लिए, कोई मैंडेटरी का जो है वो किसी का फ़ोटो चेंज करना है, ऐसा कुल मिला के हमने पिछले 3 दिनों में तकरीबन 500-600 लोगों को जो है इसका लाभ उठाते हुए देखा है। जावेद मेडिकल जी के ऑफिस पे सुकन्या कन्या योजना का भी स्कीम रखा गया था, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सुकन्या योजना मुमरा में पिछले 1 साल से हम आवाम में उसके बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। सुकन्या योजना केंद्र सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें बेटियों के शादी के लिए और उनके एजुकेशन के लिए माता पिता को पैसे सेविंग करने के लिए, एक अच्छा आदत लगने के लिए, हैबिट लगने के लिए योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है। लोगों को बहुत से पता न होने की वजह से हमने अवेयरनेस रखा और जावेद भाई के रिक्वेस्ट पे आधार कैंप प्लस सुकन्या अकाउंट ओपन करने का यहाँ पे हमने फैसला लिया। सुकन्या अकाउंट ओपन करने के लिए सिर्फ माँ या बाप किसी भी एक का आधार कार्ड, पैन कार्ड का जेरोक्स और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का जेरोक्स, इतना ही डॉक्यूमेंट काफ़ी है। बच्चे 10 साल से नीचे रहनी चाहिए उसकी उम्र, और आप शुरुआत में 250 रुपया उसमें जमा कर सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस मान लीजिए, बट वो अकाउंट में ही जमा होगा 250 रुपये के साथ, फिर आप अपने हिसाब से उसमें सेविंग कर सकते हैं, 100, 200, 500 या 1-2 महीने पैसे नहीं भरेंगे तो भी वो खाता चालू ही रहेगा, साल में एक बार तो भी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा ऐसा, यानी 15 साल तक भरना है और 18 साल के बाद आप आधे पैसे निकाल सकते हैं, 21 साल के बाद पूरे पैसे निकाल सकते हैं। तो एक पढ़ाई के लिए और शादी के लिए जब बच्चे के पैसे की ज़रूरत गिरेगी तो ये आपका एक बैकअप प्लान रहेगा, इस वजह से ये योजना हम यहाँ पे लेके आए और माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है।